क्लास सेकेंड। आप सभी लोग अपनी संस्कृत की बुक निकालिए, पेज नंबर 8। कल हम लोगों ने ये किया था, सॉल्व किया था। आज हम लोग करेंगे क्रियाकलापम, अधाम, कितानाम, चित्रानाम, दृष्टवा, शब्दान, पुर्यतन। यहाँ नीचे दिए गए जो चित्र हैं उनके शब्द लिखे हुए, उसमें फिलिंग ब्लैंक है, खाली जगह है, उनको आपको भरना है। ठीक है, ये देखिए पहला जो चित्र बना है वो किसका है, आम का है। तो आम को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, आम्रम। तो आम्रम इस तरह से इसको भर देंगे। ये देखिए दूसरा पिक्चर बना है, किसका चित्र बना है, भगवान का। तो भगवान को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, ईशः, क्या बोलते हैं, ईशः। तो ये ईशः लग गया, ठीक है, श बना देंगे इसमें तो ईशा भरा जाएगा। ये देखिए आपका क्या है, उल्लू है। उल्लू को हम लोग संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, उल्लू कह। तो इसमें आधा ल डाल देंगे, ऊ ल लू कह, उल्लू कह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए भेड़ है, भेड़ को हम लोग संस्कृत में कहते हैं एडका, क्या कहते हैं, एडका। तो यहाँ हम लोग ड डाल देंगे तो ए ड का हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सफ़ेद हाथी है ना। तो सफ़ेद हाथी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए रावत, ए रावत। तो यहाँ रा डाल देंगे और यहाँ त डालेंगे तो ए रावत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, ये किसका बच्चा है, मुर्गी का बच्चा है। मुर्गी के बच्चे को हम लोग संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे, अंडज, क्या कहेंगे, अंडज। ये अंग ड ज अंडज, ठीक है। इसको इसी तरह से आप लोग अपनी बुक में भर लीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, संस्कृत वर्णमाला व्यंजनानी। अभी तक हम लोग संस्कृत वर्णमाला में स्वर पढ़े थे, स्वर के बारे में जानकारी लिए थे और स्वर पढ़े थे। आप लोगों को स्वर अच्छी तरह से संस्कृत भाषा में अ से लेके अह तक के सारे शब्द अच्छे से याद करने हैं कि अ मीन्स क्या होता है, आ मीन्स क्या होता है, अ से क्या होता है, जल्दी बताइए। अ से अजा, आ से आम्रम, ई से इंदु, बड़ी ई से ईसा, है ना। ये इसको आपको अच्छे तरह से लर्न कर लेना है, क्योंकि जब तक आपको संस्कृत वर्णमाला में स्वर के शब्द याद ही नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे करोगे। तो देखिए इसको फिर से आप लोग एक बार, आपको हम फिर से याद दिला देते हैं इसको कैसे पढ़ना है और याद करना है। अ से अजा, आ से आम्रम, छोटी ई से इंदु, बड़ी ई से ईशम, छोटा उसे उल्लुकह, बड़ा उसे उर्मिका, री से रिक्षा, ए से एडका, ठीक है। ऐसे इरावतम, ओ से ओतु, ओ से औषधम, अंग से अंडज, अह से नमः, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से सारे शब्द को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और इसको लिखने का भी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हमको इसको लिखना है, ठीक है। इसी तरह इसमें सारे एक्सरसाइज भी आप लोग अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत वर्णमाला व्यंजनानी। कितने व्यंजन होते हैं ये बताइए, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, क ख ग घ अंग जो होता है, ये सारे जो हैं क से लेकर जो ज्ञ तक होते हैं ये सारे व्यंजन होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग क बोलते हैं, क से कपोतः, कपोतः मीन्स कबूतर, ख से खगह, खगह मीन्स पक्षी, ग से गजह, गजह मीन्स हाथी, घ से घटह, घटह, घटह मीन्स घड़ा, अंगम से गंगा। देखिए फिर से हम लोग पढ़ते हैं, क से कपोतः, कपोतः मीन्स कबूतर, ख से खगह, खगह मीन्स पक्षी, ग से गजह, गजह मीन्स हाथी, घ से घटह, घटह मीन्स घड़ा, अंग से गंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, च से चटका, च से चटका, चटका मीन्स चिड़िया, छ से छत्रम, छत्रम मीन्स छाता, ज से जनकह, जनकह मीन्स पिता, ठीक है।
फिर हम लोग करेंगे झ से झसम, झसम मीन्स मछली, यह मने यहाँ से पंच, पंच मीन्स पाँच है ना, झ से झसम, झसम मीन्स मछली, यह मीन्स पंच, पंच से पाँच, ट से टंकम, टंकम मीन्स कुल्हाड़ी, ठ से ठटका, ठठेरा, ड से डैनम, डैनम मीन्स पालकी या डोली, ढ से ढक्का, ढक्का मीन्स ढोलक, अण से अंडा, अंडा मीन्स अंडा, ठीक है। आइए हम लोग एक बार फिर से रीड पढ़ते हैं इसको। क से कपोता, कपोता मीन्स कबूतर, ख से खग, खग मीन्स पक्षी, ग से गजा, गजा मीन्स हाथी, घ से घटा, घटा मीन्स घड़ा, अंग गंगा, च से चटका, चटका मीन्स चिड़िया, छ से छत्रम, छत्रम मीन्स छाता, ज से जनक, जनक मीन्स पिता, झ से झस, झस मीन्स मछली, इय मीन्स पंच, पंच मीन्स पाँच, ट से टंकम कुल्हाड़ी, ठ से ठटका, ठटका मीन्स ठठेरा, ड से डैनम, डैनम मीन्स पालकी, ढ से ढक्का, ढक्का मीन्स ढोलक, र से अंडा, अंडा मीन्स अंडा। ये सारे आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से लिख देंगे, जैसे लिखा है सेम उसी तरह लिखना है, बस आप लोग इंग्लिश वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को इंग्लिश के शब्द नहीं लिखने हैं, आपको हिंदी इसके लिखने हैं, ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है, जैसे लिखा है बुक में वैसे ही आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। इसी तरह स्वर भी लिखेंगे और इसी तरह व्यंजनों को भी करना है। आगे बात समझ में आइए, हम लोग इसको अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मौखर्यम मतलब ओरल, सम्यक उच्चरत, इसको हम लोग सही से उच्चारण करते हैं, ठीक है। ये देखिए कपोतः, कपोतः, खगः, घटः, गंगा, चटका, छत्रम, झसः, टंकम, डयनम, ढक्का। आइए फिर से इसको बोलते हैं, कपोतः, खगः, घटः, गंगा, चटका, छत्रम, झसः, टंकम, डयनम, ढक्का। ये आप लोग के लिए नया सब्जेक्ट है, इसको आप लोग घर में बार बार तेज शब्द में उच्चारण कीजिए, इसीलिए हम आपको बार बार इसको दो बार तीन बार इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को इससे कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ने आ जाए। आप लोग इसको बार बार उच्चारण कीजिए और इसको अच्छी तरीके से पढ़ना सीखिए, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एकदम अभी नया शब्द, नया विषय है। सम्यक विकल्पम चिनुता, सही विकल्प चुनिए। ये देखिए किसका चित्र बना हुआ है, चिड़िया का ना, तो क्या होता है, घटा मीन्स चिड़िया होता है, कपोता मीन्स चिड़िया होता है, खगा मीन्स चिड़िया होता है, खगा मीन्स चिड़िया होता है, तो खगा पेड़ लगा देंगे। ये देखिए कपोता, कबूतर को क्या बोलते हैं, कपोता, ठटका नहीं, खगा नहीं, जनका मीन्स पिता, पिता का चित्र बना है तो ये जनका पे सही रहेगा, ठटका नहीं, पंच नहीं, और ये देखिए ये क्या है, गजा, गजा मीन्स हाथी, डैनम है नहीं, टकम है नहीं, गजा है सही, ठीक है। ये सारे ये सभी आप लोगों ने आज सारे इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, आज का आपका होमवर्क यही है, ये सारे आप लोग कॉपी में अपने उतार लेंगे, ठीक है, और इसको याद भी करेंगे। आज के लिए बस इतना, हैव अ गुड डे।